किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आज की फिर से एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज हम आप लोगों को एक बहुत ही शानदार मशीन दिखाएंगे जो कि गन्ने की खेती के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने किसान भाई भी हैं, ट्रैक्टर भी है और अभी चलता हुआ भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाइयों आज की वीडियो में आप लोगों को हम गन्ना वीडर दिखाने जा रहे हैं जो कि सामान्य विधि वाला है और किसान भाई ने टेरा सोली कंपनी का यह ख़रीदा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं एडजस्टेबल है, इनका जो बीच की दूरी है आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 2.5 फुट तक कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं जितना पे आप लोग बुआई कर रहे हो। बाकी पावर ट्रक यूरो 50 पे किसान भाई चला रहे हैं। तो एक बार किसान भाई से थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इस वीडर के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो सामने से जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको अपना एक बार परिचय थोड़ा सा करवाइए। नाम बताइए भाई। नाम विशाल वर्मा। अच्छा, गाँव अपना कौन सा पड़ता है? मिर्जापुर। अच्छा, तो जैसे ये आपने अभी गन्ना वीडर खरीदा है गन्ने की जुताई के लिए जी। तो मार्केट में इस समय तो ऐसे दो आ रहे हैं, एक तो आगे सामने फाल लगे होते वो होते हैं, उसके पीछे रोटावेटर, बाकी ये सिंपल वाला आ रहा है। ठीक, तो ये वाला क्यों खरीदा, वो वाला क्यों नहीं खरीदा? उसमें आगे जो पताई है फंस जाती है। अच्छा, ये चीज़ है, पेड़ी वगैरह खेत में नहीं काम करता है? नहीं, वो बाकी बारों के लिए ठीक। ये मतलब चल जाता है सब में? ये सब में पेड़ी, जैसे देख रहे हैं पेड़ी खेत है तो इसमें भी चल जाता है, बोरी वगैरह पौधे में भी चल जाता है। एक चीज़ और बताइए, जैसे ये जो अपना है कितने इसमें जो ब्लेड वगैरह कितने कुछ हैं? 36 ब्लेड है। अच्छा अच्छा, 12-12 बीच में, 6 इधर 6 6 12 12 3 36। और सामान्य विधि वाला है कितने फिट पे सेट कर रखा है? ये 1.5 पर। 1.5 फिर ठीक। बाकी जैसे ये अपना खरीदे हो अभी जल्दी में तो किस कीमत में अपना लगभग पड़ा है? 1,20,000। अच्छा, बाकी कुछ छूट वोट इसमें मिल रही है? इसमें नहीं छूट इस समय कोई। अच्छा, बाकी ट्रैक्टर पर चलाते हैं तो लोड जैसे कुछ नहीं ज़्यादा नहीं होता? कोई मतलब कोई ज़्यादा डीजल खर्चा नहीं। और किस गियर में लगभग चल जाता है ये? दूसरे लो में। तेज चला तो बढ़िया काम नहीं करता तो? नहीं। अच्छा चलो थोड़ा सा चला के भाई किसान भाइयों को दिखा देते हैं। तो भाइयों आप लोग अभी देखिएगा, पावर ट्रक यूरो 50 है, 3 सिलेंडर, 50 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर और टेरा सोली का भाइयों रोटावेटर है गन्ना जुताई वाला और 1,20,000 रुपये का किसान भाई ने ख़रीदा है। बाकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया है और अभी आप लोगों को परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बाकी इधर देख सकते हैं खेत जुत चुका है। दूसरे लोग में किसान भाई चला रहे हैं। वैसे जब दो बार चलेगा तो और भी ज़्यादा गहराई लेगा, बाकी एक बार ही निकाल रहे हैं। बाकी एक बात और भी काफ़ी अच्छी है कि जिसमें जो पत्ती वगैरह होती है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मल्चिंग कर देता है और खरपतवार जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, केवल बीच बीच में बचते हैं। तो बहुत ही शानदार मशीन निकाली गई है भाइयों, क्योंकि आज के समय में गन्ने की बुआई किसान भाई ज़्यादा करते हैं और उसमें खरपतवार निकालने में किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और ये गन्ना वीडर अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ही लाभदायक आप लोगों के लिए रहने वाला है और आप लोग अपनी खेती में होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। बहुत ही शानदार भाइयों परफॉर्मेंस। बाकी अभी आप लोगों को गहराई वगैरह भी दिखाएंगे कितनी गहराई लगभग लेता है। लगभग 4 से 5 इंच लगभग गहराई है। बाकी अगर दूसरे चक्कर में लगाते हैं तो और भी गहराई बढ़ जाएगी, ये चीज़ है। बाकी बारीक भी काफ़ी अच्छी मिट्टी कर रहा है। तो भाइयों देख सकते हैं कोई भी ट्रैक्टर पर लोड नहीं है, काफ़ी शानदार तरीके से काम कर रहा है और अभी किसान भाई घुमा रहे हैं ट्रैक्टर को, घुमा के दोबारा से इधर लाएंगे। बाकी कोई ख़ास लोड नहीं रहता है और डीजल खर्चा भी एवरेज वही जो नॉर्मल वाले रोटावेटर पे होता है उनसे कम ही रहेगा। बाकी वजन तो काफ़ी ज़्यादा इसका रहता है रोटावेटर का। भाइयों आप लोग देख सकते हैं कोई भी धुआं वगैरह ट्रैक्टर पे नहीं है, क्योंकि पुराना ट्रैक्टर है, लगभग 15-16 मॉडल होगा।
काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है। आप लोग देख सकते हैं आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पर फेंक रहा है, ये देख सकते हैं। बाकी इसकी जो ऊंचाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3 फुट के लगभग होगा, तो जिससे बड़ा गन्ना भी आराम से टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और उसके टूटने के चांस नहीं रहेंगे। तो भाइयों आप लोगों को ये टेरा सोली कंपनी का रोटावेटर कैसा लगा, गन्ना वीडर जो कि किसान भाई ने 1,20,000 रुपये की कीमत में ख़रीदा है। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।